के हित में आपने जो संघर्ष किया है, जिस प्रकार का संघर्ष किया है, वो आज पूरे राजस्थान में देखने और सुनने को मिल रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि वो कॉलेज, जिस कॉलेज के अंदर लेक्चरर नहीं थे, हमारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर करके पढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश के लिए उनकी सारे बच्चों की जब बैग लगी, तो हमारी छात्र संघ की अध्यक्ष ने सोचा कि अगर ऐसे काम चला तो हमारी बच्चियां जो सपना देखती है कि हम IAS बनेंगी, जो सपना देखती है कि इस देश को मैं आगे ले जाऊंगी और मैं इस देश में कुछ करके दिखाऊंगी, परिवर्तन करके दिखाऊंगी, उन सबके सपनों में ये एक बहुत बड़ा हर्डल आ रहा था, एक समस्या आ रही थी। ऐसे समय पर रात और दिन लगातार बैठ के आपने संघर्ष किया और उन लेक्चरर को लगाया। मुझे दुख होता है, दुख इस बात का होता है कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस के कि हम शिक्षा के लोग हैं, हम शिक्षा से आगे बढ़ाएंगे, हम हमारी नगर विधानसभा को आगे लेके जाएंगे, हम सीकरी कस्बे को हम शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे, वो लोग शिक्षा को दबाने का काम करते हैं, बच्चों को दबाने का काम करते हैं, उनको रोकना चाहते हैं, उनकी शिक्षा खराब कर देना चाहते हैं, उनका भविष्य खराब कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग जो छत्ता बेच करके आते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो बातें करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन हब चलाता हूँ, मैं यहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन 4.25 साल के अंदर सीकरी कॉलेज के बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को, सबकी शिक्षा को रोकने का काम किया, उन सब बच्चों को पीछे धकेलने का काम किया। ऐसे विधायक हमारे राजीव जी यहाँ पर विकास कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो रोड हमने सीकरी से लेके खेड़ली, उसमें एक छोटा सी बात रह गई थी, जो अंडर पास है रेलवे का, वो काम हमारे सरकार को करना था, लेकिन आज तक भी वो काम नहीं हुआ। आप बताओ काम हुआ है क्या? और 6 महीने उसका टोल उन्होंने लूटा, और जब बात हो गई गुलपाड़ा के सरपंच है, उसकी जब पिटाई कर दी टोल वालों ने और सब जगह FIR दर्ज हुई और उसको भी उन्होंने दबा दिया, उसके बाद अभी 3 दिन पहले टोल बंद करो। अरे 3 दिन पहले टोल की क्यों याद आई है? क्योंकि याद आई है चुनाव आने वाले हैं 23 के अंदर, याद आ गई। और उसके बाद मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली से वडोदरा होता है मुंबई जाएगा, उस एक्सप्रेस हाईवे को मंजूर कराया हमने, मोर्चा के अंदर कट लगाने का काम किया हमारी सरकार ने, वो काम 4.25 साल में आज भी हुआ नहीं है। ऐसे कैसा? वहां से किसान संघर्ष कर रहे, उनकी जमीन जबरदस्ती कम भाव में सरकार खरीद के और ऊंचे भाव में व्यापारियों को बेच रही है। ऐसे विधायक जो है यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, विकास क्या है? विकास है हर आदमी की जिंदगी को ऊपर उठाना। हर आदमी की जिंदगी को आप ऊपर उठाओगे तो निश्चित रूप से उसके जीवन ऊपर बढ़ेगा, और जीवन उसका बढ़ेगा, उसकी जिंदगी बढ़ेगी, तो ये विकास होता है। कहीं भी गांव में चले जाओ, जितनी सड़कें हमने बनाई थी सारी खोद डाली, चंबल का पानी हम भरतपुर से लेके नगर तक ले आए, सीकरी तक ले आए, लेकिन सीकरी आने के बाद भी सीकरी वालों को आज चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। मिल रहा हो तो बताओ, सब मिल रहा है पानी आपको? शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। सिर्फ बात करते हैं, बड़ी बड़ी काम नहीं करते, झूठ बोलना, लोगों को करना, ऐसा काम किया। आज मुझे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ती है कि हमारी पूजा सैनी जी ने अपने विधायक का एक बहुत बड़ा जो है सरकार ने गलत फरमान किया। गलत फरमान ये किया कि उन्होंने कहा कि जो भी छात्र संघ के लोग हैं बिना विधायक के कोई कार्यालय का उद्घाटन नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि छात्र संघ के चुनाव में सरकारों का क्या लेना देना है भाई? जिसकी इच्छा होगी छात्र संघ के बच्चों की, जिसको कॉलेज चाहेगा, जिसको उसको बुलाएगा, जबरदस्ती विधायक को बुलाने का फरमान, ये फरमान गलत है। ये फरमान बदलना होगा इस सरकार को, क्योंकि छात्र जब अपनी गाड़ी पे आ जाता है, और बच्चे वो कह रहे थे ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज सीकरी की करुणाई ने करवट ले ली है, सोच लिया है कि हमको
इस बार किस तरफ जाना है ये आप सब जानते हो। मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, विकास विकास कुछ नहीं, इस विधायक ने, इस कांग्रेस की सरकार ने नगर विधानसभा क्षेत्र में विनाश किया है। हमारे बहुत सारा मुझे दुख किस बात का होता है कि हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सब लोगों के बाजार में जिसको चाहे जो चाहे उनके थप्पड़ लगा देता है, उनका गिरेबान पकड़ लेता है, बीच बाजार में उनको पीट के चला जाता है, और जब वो फरियाद करते हैं थाने पे जाके तो थाने पे क्या कहते हैं, जाओ विधायक जी के पास जाओ, नहीं एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उसको जाना पड़ता है। जबरदस्ती उनसे कहते हैं कि माफीनामा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थप्पड़ ही तो मारा है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, थप्पड़ की धारा बहुत बड़ी नहीं होती है, 323 धारा होती है, लेकिन जो मन को लगता है ना वो दुख, वो जीवन में जब तक जिएगा वो व्यक्ति, वो थप्पड़, वो गिरेबान में जो पकड़ के उसकी बेइज्जती की गई है उसको भूल नहीं पाएगा, उसको भूल नहीं सकता। आज सत्ता का जोर है, हम ये कह रहे हैं सत्ता के जोर से कुचलना चाहते हैं लोगों को, रोकना चाहते हैं, मसल के फेंक देना चाहते हैं। मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, और आप पूरे सीकरी में आप सब गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आप सब से कहना चाहती हूँ कि वो समय जो गया था उनका आया था, वो समय अब चला गया। अब कांग्रेस यहाँ से जड़ से उखड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से स्थापित होगी। क्यों होगी स्थापित? इनके अन्याय की वजह से, इन्होंने जो अन्याय एक एक बच्चों के साथ किया है। आज मैं मेरी बेटियों से बात करती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, ये कहती है कि हमें आगे बढ़ना है, हम देश को बदलना चाहते हैं, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लेक्चरर की कमी की वजह से इनकी पढ़ाई जो खराब हो रही है वो अपने आप में हम सबको सबक देने के लिए है। ये सारी सबक की चीजें हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आज संघर्ष जो किया है उसके लिए आप सबके सामने मैं, हमारी जो पूजा सैनी है छात्र संघ की अध्यक्ष, आप सबने उनको चुना है, उनको माला पहनाकर सम्मानित करना चाहती हूँ कि जिस लड़की ने, आप सब लोग और जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं, इन्होंने संघर्ष करके इस कॉलेज को आगे ले जाने का काम किया है। इसके जो लेक्चरर आप लेके आए और आज छात्र संघ का उद्घाटन आपने, इतना एक सुंदर कार्यक्रम आप सबने किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूजा सैनी को बहुत माला पहनाना चाहती हूँ। और मैं मंच से भी और आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक, मेरी 4 बजे की बैठक है जनूतर में, तो इसीलिए मुझे जाना भी है, और बहुत सारे काम मैं आपके साथ बहुत सारी बात भी करना चाहती थी, बहुत सारी चीजें कहना चाहती थी। आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सरकार ने पानी का, बिजली का, सड़क का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सबका बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कोई काम करके आपके बीच में नहीं दिया है। जो किया है, करना चाहिए था, वो समय निकल गया। अब केवल एक बजट का समय है, सिर्फ 1 महीना 2 महीना मांगिए, उसके बाद इनकी कोई किसी प्रकार से नहीं चलेगी। और आपको आश्वासन लेके जाना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको कोई दबाए, आपको कोई परेशान करे तो आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी, देखती हूँ पुलिस कैसे काम नहीं करती, देखती हूँ प्रशासन कैसे काम नहीं करता। इतना ही आपके बीच में कहना चाहती हूँ, पूजा का सम्मान करना चाहती हूँ, और आपसे मैं आज्ञा भी लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बाद भी सब लोग बोलेंगे, और आप जब तक उनका इंतजार करें।